नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो खबर है वो इसलिए सनसनी है कि आज देश का किसान आंदोलन पे बैठा हुआ है। सरकार चाल पे चाल चल रही है और हद तो तब हो गई जब 26 जनवरी को लाल किले पे जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। और कहीं ना कहीं ये सरकारी चूक का नमूना दिखाई दिया उस दिन कि जो लाल किला अभेद्य किला माना जाता है, जो लोग दिल्ली गए हुए हैं, जो लोग लाल किला को घूमे हुए हैं, वो अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि लाल किला पे कोई ऐसे नहीं घुस सकता था। लेकिन खैर, इस पे ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि एक बार फिर से 3 दिन के बाद जो किसान आंदोलन लग रहा था कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन कल रात जिस तरह से राकेश टिकैत ने रो करके अपनी बात को रखा और शायद वो उनके आंसू जो हैं एक बार फिर से नए आंदोलन के रूप में सामने आ गए और रातों रात लगभग हजारों किसान फिर से गाजीपुर बॉर्डर पे इकट्ठा हो गए हैं। परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और इन्हीं बदलती परिस्थितियों में आकलन करने के लिए हम आज हमारे साथ चर्चा में राजेश तिवारी जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदल रही हैं और किसान आंदोलन एक नया रूप लेता जा रहा है, ये क्या होने वाला है आने वाले समय में? क्या सरकार इसी तरह से चोर सिपाही का खेल खेलती रहेगी या इस पर कुछ ठोस कदम भी उठाया जाएगा? तो राजेश जी, आपने देखा कि 26 जनवरी के बाद से जो आंदोलन का स्वरूप सामने आया, सबसे पहले हम लाल किला पे बात कर लेते हैं कि अगर आप दिल्ली गए हुए हैं जी। तो लाल किला को आपने देखा होगा कि 75% सेना के जवान उसमें रहते हैं और बाकी दिल्ली पुलिस, और ख़ास करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमें लगता है कि विशेष व्यवस्था होती है सुरक्षा की और वो लाल किला भी उस इलाके में आ जाता है जी। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी, पुलिस का इतना भारी बल रहने के बाद भी इतने सारे लोग लाल किला के भीतर चले गए और वो गेट कैसे खुल गया जिससे वो भीतर चले गए, फिर ऊपर चढ़ गए और इस तरह की घटनाएं घट गई, आज 10 तरह की बातें हो रही हैं। तो आखिर इस घटना के पीछे क्या माना जाए, कि सरकार की कमजोरी माना जाए या दिल्ली पुलिस की कमजोरी माना जाए या किसान आंदोलन जो शायद रास्ता भटक गया था ये वजह माना जाए? सबसे पहले तो आपके एटीएन के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन प्रणाम, और ये बहुत अच्छा विषय वस्तु पर आज परिचर्चा के लिए आप हमको आमंत्रित किए हैं। अभी हम लोग ये पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति भारत के रहे हैं और एक किसान परिवार से ही थे जी। और महात्मा गांधी ने आज़ादी के समय कहा था एक बात कि हम एक ऐसा देश में ऐसा प्रजातंत्र चाहते हैं जिसका कोई अध्यक्ष किसान ही बने जी। और उनकी वो जो मनोकामना हुई वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में फलीभूत हुई। तो आपका विषय वस्तु था कि लाल किला पर जो हमारा किसान आंदोलन जो हुआ, जो सुरक्षा की पोल खुली जी जी, इस पर आपने सवाल किया। देखिए, हमको तो खुद अचरज ये लग रहा है कि लाल किला पर हम भी 2-3 बार गए हुए हैं जी, जी। 26 जनवरी 15 अगस्त तो एक माने राष्ट्रीय दिवस के रूप में महत्वपूर्ण दिवस है। उस दिन तो वहाँ माने कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे आम दिनों में भी काफ़ी सुरक्षा होती है जी, जी, जी। और जो अचरज ये बात कर रहा कि किसान जो थे वो कैसे वहाँ पर पहुँच गए, उनको रास्ता किसने दिखाया वहाँ तक पहुँचने का, और जो उनकी संख्या रही थी वो हमने देखा कि 500 से 600 संख्या रही होगी, इससे ज़्यादा संख्या नहीं थी वहाँ। तो दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस
भारत की सबसे काबिल पुलिस मानी जाती है, और इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में एक अभेद किला ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पार्क में घूम रहे हैं जी, जी। और जो कर रहे हैं, जिस तरह की सेल्फी ले रहे हैं, कहीं राष्ट्रगान हो रहा है, कहीं राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है, कोई हथियार लहराया जा रहा है, वो एक प्रदर्शनी टाइप की शुरू हो गई थी। वहाँ पे लग रहा था कि कोई कानून व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। हम जिस देश, हम क्या कह रहे हैं कि आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौकस है। हम जो है राफेल उड़ाने लगे हैं, ठीक यहाँ तक हम पहुँच गए, और वहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चों का खेल चल रहा है। लग ही नहीं रहा था कि कोई सुरक्षा है, कोई गृह मंत्रालय है, कोई मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर, 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है, तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था, एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता, रामराज मोर, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। जेबा हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी सेंटर, JR मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती जेबा परवीन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सी अहमद द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक शुक्रवार को मरीजों का निःशुल्क जाँच किया जाता है। दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। जेबा हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी सेंटर, बिंदुसार, बुजुर्ग रोग, डॉक्टर रामजी चौधरी के पश्चिम, सिवान। मोबाइल नंबर 9934622735, 9546426744। ले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। दिल्ली पुलिस, राजेश जी, आपको क्या लगता है कि आखिर दिल्ली पुलिस इतनी एक्टिव पुलिस मानी जाती है, उस दिन क्यों चुप बैठ गई, क्या कारण हो सकता है आपकी नज़र में? हमारे नज़र में तो ये लगा कि दिल्ली पुलिस में जो भी जवान हैं वो या तो पंजाबी हैं, हरियाणा से हैं, या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट बहुल इलाका है वहाँ के ये सब लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने किसानों को देख करके उन्हें लगा कि नहीं, इन पे नहीं उठाना चाहिए? और अगर ये बात, हमारी बात अगर ये सही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या हमारा, चाहे वो संसद भवन हो या राष्ट्रपति भवन हो या फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात हो, ये खतरे में दिखाई दे रहा? हमको तो लगता है कि क्या भारतीय सुरक्षा की जो भी हमारा संचार ढांचा है वो दिल्ली में, महामहिम राष्ट्रपति जी रहते हैं, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, हमारे रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री से प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, सारे सांसद तो दिल्ली में ही है। तो जिस तरह का लाल किला का दृश्य आया था, उस तरह तो हमको लग रहा था कि अब कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग राष्ट्रपति भवन में घुस जाएं, ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री। 5,000 आपने कहा कि जैसे हजारों की संख्या थी, 1,000-2,000 होंगे, लेकिन अगर 5,000 की संख्या जो सामने आया है, हम उसी की कल्पना कर लेते हैं कि अगर 5,000 की संख्या संसद भवन पे चढ़ जाए तो ये क्या माजरा, क्या हो सकता है वहाँ पे? इस तरह से आपकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम उस दिन लगा ही नहीं कि कोई भारत में इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, लगा ही नहीं कि भारत में कोई गृह मंत्रालय है, लगा ही नहीं कि कोई सुरक्षा हमारी है। ऐसी भी तादाद नहीं थी कि आप काबू नहीं कर सकते हैं। आप तो 1-1 लाख, 2-2 लाख की रैलियाँ कंट्रोल करते हैं, और आप 1,000-2,000 की भीड़ नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। वो तो साफ साफ लग रहा था कि जैसा खुला छोड़ दिया गया हो कि आप जो करना है कर लीजिए, कहीं वही मतलब सुरक्षा की व्यवस्था हमारी तार तार हो गई।
जो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था थी, हमको जिस तरह से गर्व था, इसका जिस तरीके से आज पूरी दुनिया देखी 26 जनवरी का जो भी हुआ हमारे यहाँ, उसे दुनिया ने देखा, और जिस तरह से हमारे पड़ोसी जो देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, जिसे हम लगातार झेलते आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसका गलत अंदाज़ा वो भी लगा सकते हैं कि भाई भारत में तो ये हालात है, तो हम अगर ज़्यादा जो थोड़ा सा जोर दे के अगर भीतर घुस जाए तो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फिर एक गलत मैसेज गया उस दिन। सबसे बड़ी बात तो कि उस 26 जनवरी मेरा गणतंत्र दिवस है, और उस दिन भारतीय ध्वज को हटा के सारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देखा कि कोई निशान साहब का नहीं, 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 राजेश जी, भारतीय ध्वज वहां से नहीं हटाया गया था, ये आपको बता दें कि लाल किला पे सिर्फ 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, बाकी जो होता है वो राजपथ पे होता है 26 जनवरी को। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पे, और वो जो डंडा लगा हुआ था उसमें झंडा किसी एक पोल पर देखा था। बीच में जो लगा हुआ था उसे हटाया नहीं गया था, वो खाली था, वो खाली था, उसमें उन्होंने एक गुरुओं का उनका वो लगा दिया गया, मीडिया में खालिस्तानी झंडा भी कहा गया, जिसे अब तो मीडिया भी कई तरह के मीडिया है उसे अपने तरीके से पेश किया, सच्चाई वो नहीं थी। सच्चाई ये थी कि वो खाली पोल था और जिस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, और उस पर वो धर्म का जो सिख धर्म का जो झंडा था वो लगा दिया गया। वहाँ तक सबसे बड़ा चीज़ था कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जब तक आप लाल किला का एक विशाल दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा किसने खोला, क्यों खोल दिया, क्यों नहीं सुरक्षा, अगर खुला हुआ था तो सुरक्षा बलों ने उसे बंद क्यों नहीं किया, ये सवाल उठता है। ये बहुत बड़ा सवाल है आपका है, और इस पर हम भी सब कोई गहरी चिंतन कर रहा है कि जिस मतलब हम सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपने देश का नाज करते हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था उस दिन कुछ दिखी ही नहीं। हम तो पहले भी अभी कह चुके हैं कि लग रहा था कि जैसा सब कुछ ओपन हो कि आप जाइए और तांडव मचाइए, कोई भी पुलिस नहीं रोक रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 26 जनवरी के दिन जो हमारी 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस चाहती तो ट्रैक्टर रैली चाहे जो भी रैली की परमिशन ही नहीं देती, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था दिल्ली में, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। हमारी जो छवि भारत विश्व स्तर पर जो उस दिन धूमिल हुई है, ज़्यादा नहीं, कोई भी आंदोलन होता है उसमें हो सकता है कि कहीं से भेजे भी जाते हैं आंदोलन को बिगाड़ने के लिए, या उसमें कुछ रहते भी हैं, एक समूह होता है, उसमें अगर 500 आदमी हिंसक हो जाते हैं तो आंदोलन का स्वरूप बिगड़ जाता है, ऐसे वहाँ की कोई किसान नेता तो दिखा नहीं। आपको क्या लगता है कि अब आने वाले समय में भारत सरकार को गंभीरता के साथ सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब बताइए कि आपका दिल्ली में लाल किला पर 500,000 का समूह जाके जहाँ भी झंडा फहराया हो, जहाँ कर रहा हो, तो फिर आप किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं अन्य देशों से कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था ये है वो है, काफ़ी हम तकनीकी रूप से आगे जा चुके हैं, हमारे पास ये मिसाइल हो गए हैं, हमने सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कहीं किया है तो सुरक्षा व्यवस्था पर किया है, लेकिन ऐसी तो कोई सुरक्षा व्यवस्था उस दिन दिखी नहीं। चलिए एक अंतिम सवाल का जवाब आपसे लेते हैं और इस चर्चा को आज हम यहीं रोकेंगे कि आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन जो पिछले 2 महीनों से ज़्यादा समय हो चुका है, 66 दिन शायद हो गए चल रहा है, सरकार बातचीत कर रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, क्या लगता है कि इसके पीछे अब राजनीति हो रही है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या फिर किसान आंदोलन की तरफ से हो? देखिए हमको तो व्यक्तिगत तौर पर एक तकलीफ लगी कि ये आंदोलन का शायद 66 या 67वां दिन है, इस 67 दिन में हमारे प्रधानमंत्री ने उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। कृषि मंत्री ने जरूर वार्ता की है, कोई भी आंदोलन करता है जैसे हम ही लोग सड़क पर कोई कभी आंदोलन करते हैं तो कोई DM बुलाता है कि तो बात मान लेते हैं। हमें तो लगता है कि शायद अगर प्रधानमंत्री पहल करते और प्रधानमंत्री स्वयं बैठते तो रास्ता निकल गया रहता। बिल्कुल बड़ी मार्मिक तस्वीर रात में मैंने एक देखी, रात का 2 बजे था और वहाँ का टेम्परेचर तो अभी यहाँ का ही ख़राब है, तो अभी तो वहाँ 2 डिग्री या 0 डिग्री होगा,
एक 5 साल का बच्चा, मैंने 3 पीढ़ी के लोग रजाई ओढ़ के खुली छत में बैठे हुए थे। वहाँ ऊपर में कोई सेट था, शायद हटा लिया गया था रात में। तो एक रोटी कपड़ा मकान की हम बात करते हैं और मूलभूत जो सुविधा होती है उससे वंचित कर दे रहे हैं। लोकतंत्र है, इसमें आंदोलन करने का हक सबको है, शांतिपूर्वक आंदोलन। हद तो तब हो गई जब दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार ने पानी बंद कर दिया, और पानी अभी शायद केजरीवाल सरकार ने वहाँ पानी भेजा भी तो उसे जाने नहीं दिया। क्या हम इतने, हमारी सोच इतनी गिर सकती है कि हम मानो जो अधिकार हमारे हैं सरकार उसे भी पूरा करने में और अपनी जिद कर मनवाने में इस तरह से उतर जाएगी? वो तो अभी मैंने भी देखा था टीवी पर कि वहाँ गांव से लोग अपने 10 लीटर 20 लीटर के डिब्बे में दूध छाछ जो भी संभव हो रहा है पानी और अगर पानी टीका जी के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये भावना है उनकी, बात समझिए। किसान में वो एक लाख के बाहर दिल्ली केंद्र की सरकार ने वो रोक दिया है, पानी के टैंकर जो केजरीवाल सरकार ने भेजा है उसे नहीं जाने दे रहा है लोग कि नहीं ये ऊपर से आदेश है ये नहीं जाएगा। तो ये तो बड़ा गलत हो रहा है कि आप पानी रोक दे, बिजली काट दिया आपने, लैट्रिन बाथरूम जो बना हुआ था वो सब हटवा दिया गया। आप ये आपकी मंशा ये है कि आंदोलन को किसी तरह से कुचल दिया जाए, किसी तरह से दबा दिया जाए। तो क्या ये भारत का जो लोकतंत्र है जिसकी गूंज हमेशा कही जाती है कि भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या यही लोकतंत्र है हमारा? नहीं, ये तो लोकतंत्र के सर्वसार करने वाली तस्वीरें हैं जो आ रही हैं। आप पानी बंद कर दीजिए, हम टेंट के अंदर अनशन कर रहे थे, आप टेंट हटा दीजिए। अरे आपको तो सुविधा देने, अगर कोई आपसे सुविधा बनती है तो सुविधा दीजिए ना। जैसे केजरीवाल जी ने भेजा, सारी सुविधाएँ भेजा, अभी एक्टिव हुए हैं और भी पार्टियों के लोग जो हैं एक्टिव हुए हैं कि जो उनकी सुविधा चाहिए वो दी जा रही है। आप इस ठंडी के में वो 67 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और उनकी बात सुनिए, उसमें यही है किसान जो बिल है उसमें सब 3 बिल जो आया है उसमें इन लोगों को लगता है कि नहीं हमारा जो मंडी है मंडी से हमारा डिस्कनेक्शन हो जाएगा, हम अपना जो सामान है उसके उचित मूल्य नहीं कर पाएंगे, बिचौलिया और कॉरपोरेट को ज़्यादा प्रमुखता मिलेगी। जो बिचौलिया होता है और कॉरपोरेट की बात आ रही है उस बात को समझवा दीजिए अच्छे से कि वो बात समझ में आए, या बिल में खामी है। बिल में कुछ खामियाँ तो हैं ही, मेरे जो हमने भी अध्ययन किया बिल में कुछ खामियां हैं, उसमें आप सुधार कर दीजिए। आप ही के तो सरकार आपकी है, हम भारत देश के सब कोई नागरिक हैं, किसान हैं। और किसान और जवान के बाद देश में होता क्या? किसान हमें अन्न देता है, जवान हमारी रक्षा करता है, लेकिन किसान और जवान आमने सामने आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुखद तस्वीर। चलिए इसी दुखद तस्वीर को पड़ताल करने के लिए जो 26 जनवरी को जो नज़ारा दिखाई दिया था, और ये वाकई चिंता का विषय है कि अगर कुछ चंद मुट्ठी भर लोग लाल किला जैसे अभेद किले को बेद करके और वहाँ पे अपनी मनमानी कर सकते हैं, तो क्या ये एक गलत मैसेज चला गया देश में भी और विदेशों में भी? तो आने वाले समय में देश की सरकार को इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय जो दिखाई दिया जिस तरीके से अभी कुछ महीने नहीं बीते हैं, व्हाइट हाउस जो अमेरिका का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, व्हाइट हाउस पर जिस तरह से बहुत सारे लोग चढ़ गए वहाँ पे और जो 200 साल में नहीं हुआ था वो कर दिखाया, और उसी का एक छोटा सा नज़ारा चंद कुछ रोज में देखने को मिला जब 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, और उस समय लाल किला पे जिस तरीके के वारदात हुए वो वाकई कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है, और उस पर देश की सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा, नहीं तो आने वाला समय इतना कष्टकारी होगा और इतना कष्टकारी होगा जिसकी कल्पना हम नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन आज एक ऐसे मोड़ पे पहुंचा हुआ है कि सरकार को उसको भी गंभीरता से विचार करते हुए, और हम तो ये कहेंगे कि स्वयं प्रधानमंत्री आगे आए और आकर के किसानों से बात करें। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर प्रधानमंत्री आगे आते हैं तो ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, और जो दिक्कतें आज पूरे
देश दिल्ली के साथ पूरे देश के लोगों में जो दिक्कत हो रही है देश के लोगों को, वो दिक्कत समाप्त हो जाएगी। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टेक्ट नंबर 7256963795। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए हेयर फिक्सिंग न्याज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग न्याज, सेकंड फ्लोर विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग न्याज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866 और 8789216171 पर। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, तो इस महंगाई के दौर में एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने सिसवन ढाला सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423।